पूरा देश में दलित लोगों में बहुत अन्याय हो रहा है। रिजर्वेशन मिलते ना, वो रिजर्वेशन कट कर रहे हैं सभी लोग। वो उसको हमको कौन कौन है दलित लोग और पिछले लोग, उसको वो मिलना चाहिए उसका रिजर्वेशन। यही हमारा प्रोटेस्ट का नियम है। तकरीबन हमारे जो 60 पीपल्स यहाँ पर आए हैं, लेडीज और जेंट्स। अभी हमारा गेम है कि भाई जितने भी गंज के शहर के जो बेरोजगार लोग हैं, जो फुटपाथ पर धंधा कर खाने वाले लोग हैं, तो इनको गवर्नमेंट सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए गरीब लोगों को देखिए कि फुटपाथ पर धंधा कर खाने वाले हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड बहुत सारे लोग हैं। तकरीबन हमारे बेलगाम के बस स्टॉप के 300 जो है लोग यहाँ पर काम करते हैं। अभी वो जो है कोई तरकारी बेचता है, कोई फ्रूट बेचता है, कोई जो है चंबल की दुकानें हैं। तो ये लोग जो वहाँ पर रात खा रहे हैं, इनके पीछे फैमिली है, जो बैक सपोर्ट के फैमिली के लिए वही लोग हैं। तो उनके लिए बैक सपोर्ट के लिए, फैमिली के लिए सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट उनको हेल्प करे। ये फुटपाथ पर उनको जो है दुकान लगा कर दे, या कुछ उनको जो है गवर्नमेंट से उनको घर की स्कीम करके दे, सब्सिडी की स्कीम करके दे। ये गवर्नमेंट से हमें उम्मीद लेकर यहाँ से बेलगाम से यहाँ तक आए हैं।